सरकारी स्कूल में पढ़ाना सिर्फ पढ़ाना भर नहीं होता, ये पढ़ना होता है हालात को जिनमें हमारे बच्चे रह रहे हैं, जी रहे हैं। एक ही क्लास में एक को 20 तक पहाड़ा याद है, दूसरे को गिनती की समझ तक नहीं है। मानसिक स्तर पर देखा जाए तो हर कक्षा में कम से कम 5 ग्रुप बनेंगे। बच्चों पर हाथ उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाहती हूँ कि वो स्कूल से डरे नहीं, स्कूल को प्यार करें, मगर कैसे? मैं उनको गिनती सिखाने की कोशिश करती हूँ, वो खिड़की से झूल रहे होते हैं। मैं वर्णमाला की पहचान कराना चाहती हूँ, वो पेंसिल से कटोरे पर संगीत की प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। मैं चाहती हूँ वो फूल, पत्ती, तितली, बादल बनाए, पर कहाँ, न कागज है न रंग है। रंग तो खैर कहीं नहीं है। चबी चीक्स, डिंपल चिन, रोजी लिप्स, यह सब परी कथा की बातें हैं। इनके कर्ली हेयर में सालों से तेल नहीं पड़ा, बुरी तरह उलझे हुए हैं। पिछले साल की यूनिफॉर्म में एक भी बटन सलामत नहीं है। इनकी आंखों में हल्का पीलापन है, कई बार ये कंजंक्टिवाइटिस का शिकार भी दिखती है। धान रोपने की वजह से पैर की उंगलियों में सड़न हो गई है, दर्द भी है, खेल खेल में अक्सर चोटिल हो जाती है। मैं उनके साथ सख्त होने की कोशिश करना चाहती हूँ, लेकिन असफल रहती हूँ। उनके साथ तो जिंदगी ही इतनी सख्त है। स्कूल का हैंडपंप एक गड्ढे में है जिसमें बरसात का पानी भरा है। उस नल का पानी पीने का जी नहीं करता, लेकिन उन बच्चों के बीच घर से ले जाई गई बोतल का पानी पीना मुझे भीतर तक अश्लील दिखने के एहसास से भर देता है। जिस बच्चे को कॉपी ना होने के कारण डपट कर पिता को बुलाकर लाने को कहा था, उसके पिता है ही नहीं। मैडम बप्पा कहीं है, पैसा हो तब आधार कार्ड बनवाए दे हैं। बप्पा क्या काम करते हैं गोलू, मैं बेख्याली में पूछती हूँ। करें कमवे नाय लागत है, पिता इस समय खाली हाथ है, पैसे से भी और काम से भी। कुछ बच्चे क्रूर शब्दों में कहूं तो मंद बुद्धि हैं। ये अतिरिक्त ध्यान चाहते हैं, नहीं संभव हो पाता। ये प्यार की भाषा समझते हैं बस, इसलिए हर जगह पीछे पीछे हैं। पढ़ाने में बाधा होती है तो कभी कभी डांट देती हूँ, अपनी क्लास में जाओ, ये रो पड़ते हैं। शर्मिंदगी के एहसास से भर उठती हूँ अपने जंगलीपन पर, इनको मनाती हूँ, ये फिर पहले की तरह मेरे पीछे लग जाते हैं। ये अक्सर कॉपी कलम नहीं लाते, मुझे कोफ्त होती है, कैसे पढ़ाऊं, कैसे लिखना सिखाऊं। लेकिन अक्सर ये कच्चे पक्के अमरूद लाते हैं मेरे लिए, कभी कभी बेर भी। बड़ी मुश्किल से हासिल इन मौसमी फलों में से वो एक भी अपने लिए नहीं बचाना चाहते। कि आईएएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनने का ख्वाब मैं किन आंखों से देखूं? हर रोज बस एक दुआ पढ़कर फूंकती हूँ कि ईश्वर ऐसी मुसीबत में कभी न डाले कि तुम्हारी यह निश्चलता खो जाए। इतने ताकतवर बनो कि हर तकलीफ तुम्हारे आगे घुटने टेक दे, बस यही एक दुआ।